हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ग्रेवी वाली चिकन लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। ये जितना जल्दी बन जाता है उतना ही टेस्टी तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये चिकन की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए आज हम ग्रेवी वाली चिकन बनाना शुरू करते हैं। ग्रेवी वाली चिकन बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1 किलो चिकन, जिसे हमने मीडियम साइज के पीस कटवा लिए हैं और धो लिए हैं। 1/2 किलो प्याज को हमने बारीकी से काट लिया है। 4 बड़े टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 7 हरी मिर्च को बीच से काट लिया है। 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन मसाला हम डालेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी वाली चिकन बनानी है। धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, कस्तूरी मेथी, तेल और धनिया पत्ता। फोरन के लिए हम 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ी वाली इलायची, 7 से 8 लौंग, तेजपत्ती और 4 लाल मिर्च को लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हम एक प्रेशर कुकर रख लिए हैं। ये चिकन हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे और गैस को हम ऑन कर लेंगे। प्रेशर कुकर को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो कुकर अपना गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे तेल। तो आप जो तेल खाते हैं वो यूज कर सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम उसमें डालेंगे तेजपत्ती, जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और मिर्च के डंठल को हम निकाल के और इसे भी डाल देंगे और सबको अच्छे से तड़कने देंगे। फोरन का कलर ब्राउन हो चुका है, हमें इसे काला नहीं होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो हम इसमें एक साथ में प्याज को डाल देंगे और इसे 5 से 6 मिनट तक, यानी जब तक प्याज अपना ब्राउन नहीं होता है तब तक हम इसे भूनेंगे और हम बीच बीच में चला चला के इसे भूनेंगे जिससे ये तले में लगे नहीं। तो हमने 10 मिनट तक प्याज को तेज फ्लेम पे भूना है। आप ध्यान से देखिए, अपना 50% प्याज गल चुका है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम 1 किलो चिकन के लिए डाल रहे हैं। तो आप जितना चिकन ले उसके अनुसार क्वांटिटी थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम प्याज के साथ अदरक लहसुन को भी 5 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। हमने इसे चलाते हुए 15 मिनट तक भूना है। तो प्याज लहसुन अपना गल चुका है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और लाल मिर्च पाउडर। तो हम लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच डालेंगे क्योंकि चिकन थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। और 2 बड़े चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम इसे
लहसुन प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब हमें चिकन मसाला को कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये तले में लग सकता है। तो हम इसे चलाते हुए भूनेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। मसाला भून लिए हैं, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर डाल के हम इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, टमाटर को हम तब तक भूने हैं जब तक ये बिल्कुल गल चुका है। प्याज, लहसुन, टमाटर सब गल गए हैं। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे अपना चिकन। तो हम धीरे से चिकन को छोड़ देंगे और मसाले के साथ हम इसे अच्छे से भूनेंगे। ऐसे चलाते हुए हम चिकन को भून लेंगे। ध्यान से देखिए मसाला का कितना सुंदर कोटिंग हो गया है चिकन पे। तो हम इसे 3 से 4 मिनट तक चला चला के अच्छे से भूनेंगे और साथ में हम डालेंगे बाकी के स्पाइसेस। तो हम अभी नमक डालेंगे। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। 1 चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे और 2 बड़े चम्मच हम चिकन मसाला डालेंगे और सबको हम अच्छे से चला लेंगे। इसे चलाते हुए हम भूनते रहेंगे जब तक कि मसाला मिक्स ना हो जाए। चिकन को चला चला के हमने अच्छे से भून लिया है। तो आप देखिए चिकन का कलर कितना सुंदर आया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी खानी हो तो ये आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। तो हम 1 ग्लास इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में डालेंगे कस्तूरी मेथी। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए अभी ग्रेवी इतनी गाढ़ी है अपनी। अब हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और 1 सीटी आने तक हम इसे पकने देंगे। ध्यान रहे चिकन 1 ही सीटी में पक जाता है, हमें ज्यादा नहीं पकाना पड़ता है। आ चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और जब तक इसका प्रेशर निकलेगा तब तक हम ढक्कन को लगे रहने देंगे। कुकर से प्रेशर निकल चुका है, अब हम ढक्कन को खोल लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए चिकन का कितना सुंदर कलर आया है। अब हम एक फोक से चिकन को चेक कर लेंगे। तो ऐसे हम चिकन में दबाएंगे, चिकन अपना अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अपनी चिकन ग्रेवी बनकर तैयार है। मसालेदार ग्रेवी वाली चिकन कढ़ी बनकर तैयार है। इसे खाने में बड़ा ही स्वाद आता है। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर आज की मेरी ग्रेवी वाली चिकन रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और
कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।